हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन यूनाइट के न्यू मैप के बारे में। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। वीडियो पहले भी बना चुका हूं और वो मुझे बहुत बढ़िया लगा था। उस समय थोड़ा बहुत हुआ था कि लीक्स वगैरह आने में लेट कर दी थी, तो मैंने जितने भी लीक्स पाया था उनको साथ जोड़ के एक वीडियो मैंने बनाया था और यूट्यूब पर अपलोड किया था। पर अभी आज कुछ देर पहले ही, शायद ये 2 से 3 घंटे पहले ही, न्यू अपडेट आया है पोकेमॉन यूनाइट पर, और उस पर न्यू मैप आया है रिक्वेजर के साथ। भाई अभी तो मैंने रिक्वेजर देखा, रजिस्टर देखा, उसमें था और बहुत कुछ मैंने देखा जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए, और मैं वो सभी इन्फॉर्मेशन तुमको दूँ, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भाई पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख के बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं मेरे हिसाब से, पर भाई सब्सक्राइब कोई नहीं करता। भाई प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को पूरा देख लो। तो चलो अब सीधे मैप पर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लो भाई, हम आ गए मैप पर, जो न्यू मैप मैं बताना चाहता था इतनी देर से। तो ये कुछ आसमान में है, मुझे अभी तक ठीक से नज़र नहीं आया, मैं बाद में दिखाऊंगा तुम्हें। ये कुछ आसमान में है और पोकेमोन्स पिछले वाले मैप पर जितने थे उनसे थोड़ा बहुत तो इन्होंने इनक्रीस किया ही है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर ये ऊपर वाला जो ये पोकेमोन्स था, 2-3 जो पोकेमोन्स था इधर, मैं उसके लिए वेट कर रहा था पर वो आया ही नहीं। बहुत देर बाद मुझे पता चला कि ऊपर अभी नहीं आएगा, शायद बाद में आएगा, इसीलिए मैंने नीचे चला गया। तो ये वाला जो मेरे साथ हुआ, ये स्कैम वगैरह जो हुआ मेरे साथ, ये तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो इसमें ख्याल रखना। और हमारे न्यू मैप पे झाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है इन्होंने, तो हमें छुपने के लिए भी बहुत ज़्यादा जगह मिलेगी, बहुत आसानी होगी छुपने में। तो ठीक है चलो। हमारा पिछले वाला मैप था उस पर वाइल्ड पोकेमॉन बहुत ज़्यादा कम थे, जिसके लिए हमारे टीममेट्स के अंदर ही अंदर एक लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि इन लोगों को फास्ट में लेवल अप करना था। जैसे कि कोई डिफेंडर आया उसको पहले लेवल अप करना है, या फिर कोई अटैकर आया, ऑलराउंडर आया, स्पीडस्टर आया, जिसको भी, फिर जो भी पहले आता है उसको ही वाइल्ड पोकेमॉन सारे लेने थे, क्योंकि उसको लेवल अप करना था, उसको किल करना था, उसको स्कोर करना था, उसको मैच जीतना था। तो इस वाले मैप पर वो सभी ठीक कर दिया है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, इसलिए टीममेट्स को शायद और झगड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। वाइल्ड पोकेमॉन हर जगह है, जिधर देखोगे, ऊपर देखोगे, नीचे देखोगे, सेंटर में देखोगे, सेंटर के आगे देखोगे, बाजू में देखोगे, जिधर भी देखोगे भाई, ये वाइल्ड पोकेमॉन हर जगह है। ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो चलिए मैप को और रिवील करते हैं, क्योंकि हम तब से सिर्फ ऊपर वाले मैप को ही देख रहे थे। तो फिर चलिए चलते हैं हमारा नीचे वाले और सेंटर वाले जो जगह है उन्हें देखने के लिए। और ये दो चार जो ये खंबा टाइप है, जो इसमें जो लिखा हुआ है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये गहराई देखो भाई इसकी, मुझे जितना लगता है कि हम इस पर जा तो नहीं सकते इसके अंदर, पर इसे क्रॉस ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने ज़रावरा लेके खेल रहा हूँ, और वोल्ट स्विच जो है इसका, इसको मैं स्विच कर सकता हूँ इधर से उधर तक, जो मैंने ये अभी किया। और ये पोकेमॉन कौन सा पोकेमॉन है इसका मुझे नाम नहीं पता, शायद ये न्यू सीजन का कोई पोकेमॉन है, क्योंकि मैंने पोकेमॉन्स के सिर्फ 7 सीज़न देखे हैं और 7वें सीज़न तक ये पोकेमॉन मुझे नहीं दिखा, और सीज़न 8 पर शायद कुछ पोकेमॉन है। तो नीचे का हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा है, और पहले भी मैं तुमको बता चुका हूँ कि यहाँ पर वाइल्ड पोकेमॉन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके हैं। तो चलिए नीचे का जो वो ड्रेडनो आता था, उधर कौन सा पोकेमॉन आता है मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया। तो चलिए नीचे के तरफ चलते हैं। तो भाई नीचे के तरफ आने के बाद मुझे दिखा रेजिरॉक, जिसका पावर मुझे कुछ खास नहीं दिखा, क्योंकि पिछले वाले जो मैप था उस पर ड्रेडनो को मारने के लिए हम 4-5 बंदे आ जाते थे तो भी मार नहीं पाते थे भाई, और ये रेजिरॉक को तो मैं 5 सेकंड में ही मार दूंगा अकेला, तो ये मुझे कुछ खास नहीं लगा।
पर मैंने देखा है कि रेजिरो के बाद में जो ड्रेडनो हमेशा एक ही पोकेमोन एक ही जगह पर आता था, सिर्फ ड्रेडनो आता था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर रेजिरो के बाद रेजिस्टेल आएगा और शायद उसके बाद कुछ और भी आ सकता है, क्योंकि मैंने पूरा मैप अभी तक नहीं खेला। मैंने आधा खेल के फिर मैंने गेम से बाहर आ गया था क्योंकि मेरा कुछ काम था। और ये सेंटर पर जो है, जहाँ पर वो पिछले वाले मैप पर हमारा ज़ेब्रस आता था, अभी के मैप पे शायद रिक्वेजा आएगा। तो अभी इस जगह पे अल्टेरिया है, जो तुम अल्टेरिया कहते हो फिर अल्टेरिया मुझे ठीक से नहीं पता, पर अल्टेरिया या फिर अल्टेरियम जो भी है इधर आ रहा है। और साथ में जो है बच्चे या फिर फ्रेंड्स जो भी हैं, बच्चे हैं शायद मुझे जो लगता है, तो बच्चे को लेकर ये आ गया हमारे पास मार खाने के लिए। और देखो यहाँ पर पास में जो पानी बह रहा है भाई, ये पानी आ कहाँ जरा है? पानी तो हमारे मेन बेस से आ रही है और पानी का जो ये सरफेस है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमारा मेन बेस कुछ ऐसा दिखता है, मेन बेस का जो फुल्ली मेन जो बेस है हमारा वो ऐसा है। और बाहर का नज़ारा भाई गजब, ये है हमारा मेन जहाँ से फुल व्यू दिखता है, फुल नहीं अच्छी बात है दिखता है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ कि ये हमारा आधा व्यू है और भाई गजब दिख रहा है भाई। पिछले वाले मैप तो भाई ज़मीन पे हो रहे थे और ये वाले मैप पे खेल के मज़ा आ गया। और लग रहा कुछ ऐसा है कि हम आसमान में खेल रहे हैं, जैसे कि वो चार्जर ड्रैगनाइट का जो एक मैच हुआ था ना, वो ओरिजिनल जो पोकेमोन का कार्टून है उस पर जो ओरिजिनल ही है, उधर जो चार्जर और ड्रैगनाइट का जो मैच हुआ था आसमान पे, वैसा ही कुछ। और ये मैंने बोला था कि रेजिरो के बाद रेजिस्टील आएगा, तो ये आ गया और रेजिस्टील को भी हम दोनों ने मिलकर 30 सेकंड में मार डाला। तो चलिए कुछ और कुछ बचा नहीं है ये वाले मैप पे, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खेला इस मैप पे। तो पहली पार्ट तो ये है, तो आप लोग अगर बोलो तो मैं सेकंड पार्ट ला सकता हूँ, क्योंकि इसका आधा ही मैप है सिर्फ, क्योंकि अभी भी इसका 3 मिनट बचे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। सो गुड बाय और स्टे सेफ।